तो चलिए एक फेसबुक अकाउंट खोलते हैं। फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए पहले ब्राउजर खोलें। ब्राउजर में ऊपर एड्रेस बार में facebook.com टाइप कीजिए। facebook.com टाइप करते ही ये फेसबुक का होम पेज खुल गया। अब हम यहाँ पर एक नया फेसबुक अकाउंट खोलेंगे। अगर आपके पास पहले से फेसबुक अकाउंट है तो आप यहाँ नीली पट्टी में यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार फेसबुक में साइन अप कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए अपनी मम्मी के लिए एक फेसबुक अकाउंट बनाती हूँ। उनका फर्स्ट नेम है शशि, सरनेम डाला और फिर उनका ईमेल एड्रेस। अब ये मुझे दोबारा ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है। दोबारा ईमेल एड्रेस टाइप किया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें पासवर्ड क्या डालना है। पासवर्ड कुछ ऐसा चुनिए जो सिर्फ आप ही को पता हो और जो किसी और के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो। अक्सर लोग पासवर्ड में अक्षरों और नंबर का कॉम्बिनेशन या मिश्रण यूज करते हैं, तो चलिए एक पासवर्ड बनाते हैं। फिलहाल हमने पासवर्ड क्या कैसे 123 डाला है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप यही पासवर्ड चुनें। आप कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से चुन सकते हैं। चलिए उनका बर्थडे डालते हैं, यानी कि जन्म तिथि। उनका बर्थडे डालने के बाद वो पूछ रहा है फीमेल या मेल, तो फीमेल क्लिक किया क्योंकि वो एक औरत है। और फिर यहाँ साइन अप का बटन हरे रंग का दबा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी टर्म्स, डेटा यूज पॉलिसी और कुकी यूज पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ तो हम सीधा जाकर साइन अप करते हैं। ये साइन अप का हरा बटन नीचे दबाया। साइन अप का बटन दबाते ही ये फेसबुक का एक नया पेज खुल गया। इसमें फेसबुक मुझे मेरे दोस्त या फ्रेंड्स ऐड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि इस वक्त आप ये स्टेप कंप्लीट करें या ये कदम आप उठाएं। आप चाहें तो यहाँ स्किप दिस स्टेप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ये नीचे स्किप दिस स्टेप पे क्लिक किया और यहाँ ऊपर स्किप दबाया। स्किप दबाते ही स्टेप टू आ गया। स्टेप टू में हमारी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है। हमें बोला जा रहा है कि अपने स्कूल, कॉलेज और कहाँ हम काम करते हैं उसे डालें। क्योंकि मैं अपनी मम्मी के लिए ये अकाउंट बना रही हूँ तो फिलहाल मैं इसे स्किप कर देती हूँ। तो ये नीचे मैंने स्किप का बटन दबाया। स्किप का बटन दबाते ही ऊपर स्टेप थ्री आ गया। स्टेप थ्री यानी कि तीसरा कदम। अब तीसरे कदम में मुझे एक फोटो डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर से, अपने वेबकैम से एक फोटो डालकर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास अपनी मम्मी का फोटो नहीं है तो मैं ये स्टेप भी स्किप कर देती हूँ। तो चलिए देखिए, बन गया ना हमारा फेसबुक अकाउंट। पर अभी भी ये अकाउंट पूरी तरह से तैयार नहीं है। आप देखें तो ऊपर फेसबुक हमें बता रहा है कि अपनी ईमेल एड्रेस में जाकर ये साइन अप प्रोसेस पूरा करें, यानी कि ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको अपने ईमेल एड्रेस में जाकर वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप ही शशि हैं और ये आपका ही ईमेल एड्रेस है। तो चलिए आखिरी स्टेप भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया गो टू योर ईमेल, अपने आप से जीमेल का होम पेज खुल गया। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड अपनी मम्मी का डालती हूँ। यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड डालती हूँ। पासवर्ड डालते ही
ये साइन इन का नीला बटन दबाती हूँ। अब हम जीमेल के इनबॉक्स में पहुंच गए और यहाँ पर देखिए फेसबुक की तरफ से दो मैसेज आए हुए हैं। यहाँ पर फेसबुक हमें वेलकम कर रहा है और बोल रहा है कि आप चाहें तो फेसबुक में साइन इन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी ईमेल क्या है। यहाँ पर फेसबुक हमें कह रहा है कि एक और कदम अभी बाकी है फेसबुक अकाउंट बनाने में। जस्ट वन मोर स्टेप टू गेट स्टार्टेड ऑन फेसबुक। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे कंप्लीट साइन अप का बटन दबाते हैं। कंप्लीट साइन अप का बटन दबाते ही हम फेसबुक में पहुंच गए और यहाँ पर फेसबुक ने हमें बताया कि हमारा अकाउंट बन गया है। था ना आसान। तो ये हमारा फेसबुक का अकाउंट तैयार है, पर ब्राउजर बंद करने से पहले लॉग आउट करना ना भूलें। यहाँ ऊपर एक चक्री सी बनी है, इस पर क्लिक करते ही ये नीचे लॉग आउट आता है। इस लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद आप फेसबुक से पूरी तरह बाहर होंगे। अगर आपने लॉग आउट नहीं क्लिक किया तो कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट में घुसकर शैतानी कर सकता है या आपकी तरफ से किसी को मैसेज भेज सकता है। तो चलिए यहाँ लॉग आउट का बटन दबाते हैं और ये हम फेसबुक से बाहर आ गए। ये वही पेज है जहाँ हमने फेसबुक से अपना नया अकाउंट बनाया था, पर इस बार क्योंकि अब हमारा फेसबुक का अकाउंट तैयार है तो अगली बार हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर सीधा लॉगिन कर सकते हैं।